बिलासपुर में आम आदमी पार्टी द्वारा बदलाव यात्रा निकाली गई। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बाद तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी है। बता दें कि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ से लगभग सभी विधानसभा सीटों से लड़ने की तैयारी में जुट चुकी है। आम आदमी पार्टी की प्रदेश संयुक्त सचिव उज्ज्वला कराड़े ने बताया कि बिलासपुर की जनता बदलाव चाहती है। काफी समय से लगातार बीजेपी के शासन थी, इन लोगों को लगा कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव हुआ, उसके बाद कोरोना का समय है, 2.5 वर्ष हुए, अब फिर क्या जनता बदलाव चाहती है? ये जो सवाल है बहुत बढ़िया सवाल है कि क्या जनता फिर से बदलाव चाहती है। एक एग्जांपल यही है, वो देखो बोर्ड, स्वच्छ चौड़ी स्मार्ट सड़क बिलासपुर को दे रही पहचान। ये देखो रोड, स्वच्छ चौड़ी स्मार्ट सड़क बिलासपुर को दे रही पहचान। क्या ये चाहती है जनता? अगर ये चाहती है जनता तो फिर वहीं जाए। और अगर वो 20 साल का है जिसको अकेले भुना रहे हैं, वो क्यों? भाई है हम लोग, है ना? बीजेपी कांग्रेस भाई भाई है, इसमें किसी एक का हक नहीं था उस सड़क के लिए। 1 किलोमीटर की सड़क देख के क्यों छाती चौड़ी कर रहे हैं 50,000 का बैनर लगा के? ये सड़क क्यों नहीं ठीक करते? इसके लिए बदलाव चाहिए। और कैसा बदलाव चाहिए सर? सिर्फ गड्ढे, पानी या पोस्टर की बात है और कुछ भी बात? बिल्कुल, वो आपका क्वेश्चन ऐसा था कि वो बदलाव के लिए, तो हम ये बताएं कि जो बदलाव उन्होंने किया वो वहाँ तक सीमित है और जो बदलाव जनता मांगती है वो यहाँ चाहिए उनको। तो खाली सड़क सिर्फ सड़क नहीं होती है, अगर कोई शहर बढ़ता है तो उसकी तरक्की, उसकी स्मार्टनेस वहाँ की सड़कों से दिखती है, वहाँ पे पार्किंग की सुविधाओं से दिखती है। सिर्फ एक बड़ा बैनर लगा के कि पार्किंग सुविधाएं मिल गई, क्या हमें मिल गई पार्किंग सुविधाएं? सड़कें मिल गई बोलने से क्या हमें मिल गई सड़कें? माना कि कुछ अच्छे स्कूल उठा के लेके आए हैं, अच्छी बात है, 6 स्कूल अच्छे बना के, बाकी गवर्नमेंट स्कूलों का क्या? अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए उसका क्या? क्यों अच्छा नहीं किया जा रहा है हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को? क्यों अच्छा नहीं किया जा रहा है सिम्स को? क्यों अच्छा नहीं किया जा रहा है जिला अस्पताल को, पीएससी सीएससी को क्यों स्ट्रेंथन नहीं करते हैं? और अगर एक और बात कही जाए तो चेंज लाया गया था भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार मिटा है? भू माफिया हो चाहे रेत माफिया हो, इतनी बुरी तरीके से बड़े हैं, अनुशासन का कोई पालन तो करता नहीं है, पुलिस लाचार है क्योंकि उनके ऊपर भी कुछ प्रेशर है। अगर आपकी पार्टी आती तो भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाए? बिल्कुल किया जाएगा, भ्रष्टाचार बिल्कुल, तो भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा। और भ्रष्टाचार अगर आप खत्म कर दो ना, आधी महंगाई ऐसे ही खत्म हो जाती है। अगर एक जन प्रतिनिधि चाहे तो क्या वो क्यों नहीं खत्म कर सकता? इतनी क्यों लाचार है हमारी पुलिस प्रशासन कि एक मुजरिम को पकड़ नहीं सकती वो? इनकी लाचारी का कारण क्या है? ये नेता इनकी लाचारी का कारण है। जो पहले इतना शांत हुआ करता था हमारा बिलासपुर, अब चाकूपुर छुरीपुर बदल गया। बिल्कुल कुछ दिन पहले वही तो इतना शांत हुआ करता था, तो आप देख लीजिए क्यों नहीं चाहिए बदलाव? ये तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपके दूसरे क्वेश्चन में कि क्यों हमें बदलाव चाहिए। हमें नहीं चाहिए चाकू मारी, हमें नहीं चाहिए, हमें अच्छे स्कूल चाहिए, नौकरियां चाहिए, रोजगार चाहिए, इसीलिए आम आदमी पार्टी चाहिए।